सात सीटों पर किसकी जीत। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। हाजिर हूं आपके सामने आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के चुनावों में बागियों की सीटों पर हुई बंपर वोटिंग ने दोनों पार्टियों का बीपी बढ़ा दिया है। वहीं हॉट सीटों पर भी सभी की निगाहें हैं। अब 8 को इसका नतीजा सभी के सामने आएगा, पर बंपर वोटिंग ने बेचैनी बहुत बढ़ा दी है। क्या है इस वोटिंग का मतलब और क्या होगा अब आगे, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। हिमाचल की ये सीट है किसकी? बिल्कुल, कौन सी सीट है जरा देख लेते हैं। राजेश, देखिए हार जीत का देखिए वर्तमान में ना केवल अंदाजा लगाना मुश्किल है, कुछ हालात ऐसे हो गए, बल्कि चुनाव आयोग का भी डायरेक्शन है। सही है, आप कोई भी एग्जिट पोल या वैसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है सही भी है लोकतंत्र की अगर हम सेहत को देखें तो उसके लिए। राजेश, इससे एक ये भी हो गया है कि हिमाचल के लोग अगर ये नहीं कर रहे हैं तो कर क्या रहे हैं फिर? जी बिल्कुल सही है। देखिए चुनाव आयोग ने रोक लगा रखी है एग्जिट पोल पे, चाहे अखबार की बात हो, टीवी की बात हो और कोई एजेंसीज की बात हो, कोई एग्जिट पोल नहीं दे सकता अग्निहोत्री। और 5 दिसंबर तक हर तरह का प्रतिबंध चुनाव आयोग ने लगा रखा है। अब क्योंकि सियासी गर्मी जिस तरह की प्रदेश की है, उस गर्मी के बीच आम व्यक्ति क्या कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी का हम अगर उत्तर ढूंढने की कोशिश करें तो आम व्यक्ति आंकड़ों के गठजोड़ में भी, जी अग्निहोत्री जी, प्रत्याशियों की जीत हार का आप देखिए कि जितनी भी चुनावी चौपाल है, नुक्कड़ एक तरह से कार्यक्रम है, चाय पे चर्चा एक तरह से लोग करने लगे हैं, दुकानों पे कह लीजिए, रेस्टोरेंट में कह लीजिए, गांव में कह लीजिए, हाट बाजार में कह लीजिए, जीत हार का आकलन हो रहा है। इसके साथ ही साथ कौन प्रत्याशी कितने मतों से जीत रहा है, उसके जीतने की वजह क्या क्या रहेगी, इस पे चर्चाएं चल पड़ी है। कौन कौन से मुद्दे इन चुनावों में हावी हुए, किसके पक्ष में कौन सी बात चल रही है, इस पे चर्चा शुरू हो चुकी है। वोटिंग में क्या क्या दिक्कतें आई, कैसी परेशानियां रही, इस पे चर्चाएं चल रहे हैं। किस क्षेत्र के क्या समीकरण रहे, किसको कहां से क्या फायदा, इस पे चर्चा हो गई है। साथ ही साथ अगली जो चर्चा चल पड़ी है कि अगला चीफ मिनिस्टर कौन होने जा रहा है, कौन विधायक कहां से जीत के विधायक बनने वाला है, कौन विधायक मंत्री बनने वाला है, किस मंत्री के पास कौन सा विभाग होने जा रहा है, ये तमाम तरह की चीजें और चर्चाएं हिमाचल प्रदेश में चली हुई है। तो कुल मिलाकर हम अगर देखते हैं तो लोग सरकार भी बना रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी बना रहे हैं, मंत्री भी आ रहे हैं अग्निहोत्री जी, और पूरी तरह से सियासी ताने बाने के गठजोड़ में जनता जुटी हुई है। बिल्कुल राजेश, आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए एक बड़ा मजा आ रहा है आजकल, अगर आपके पास वक्त हो, आप सोशल मीडिया पे हैं तो पढ़िए, कमेंट्स देखिए, पोस्ट देखिए। अब वो जो एक तलखी थी ना पार्टियों के नाम पे, बिल्कुल, वो कम होती दिख रही है। अब हंसी मजाक का दौर शुरू हो गया है, चलिए एक बेहतर चीज भी है। और ठंड भी बढ़ने लगी है, उस पर तो हम अलग से चर्चा करेंगे। राजेश, ये हो रहा है, इसके बीच एक रोचक आंकड़ा है जिसे लेके हर कोई परेशान है, और जो परेशान नहीं है, जिसने हल ढूंढ लिया है, वो बाकियों को समझा रहा है कि जी देखिए ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इससे ये होगा, वो होगा। वजह क्या है? वजह है कि जहां पे, और बहुत सारे हैं इस बार, जहां पे बागी जो हैं वो इलेक्शन लड़ा है, जिन्होंने बागियों, चाहे पार्टी ए से लड़ा, चाहे पार्टी बी से लड़ा, सही है। वहां पे राजेश एक बड़ी रोचक चीज सामने आ रही है जिसपे कई लोगों का ध्यान गया भी है, नहीं है, हम अपने दर्शकों के सामने रखते हैं। वो जहां भी बागी थे वहां पे कमोबेश जो पोलिंग हुई है ना जी, वो ज्यादा हुई है। बिल्कुल, अब इसमें बड़ी चीजें हैं, किसके मायने क्या है, दो तरह की चीजें कही जा रही है। राजेश, आप बेहतर बता पाएंगे आंकड़ों के नजरिए से अगर आपके पास है। एक तो ये कही जा रही है कि देखिए क्योंकि एक तीसरा प्रत्याशी भी खड़ा है तो उसके समर्थन में लोग आगे आ गए हैं, इसलिए वोटिंग बढ़ गई है। दूसरी ओर से ये कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, जो मेन स्ट्रीम की पार्टीज है ना जी, उनके लोगों को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो तीसरा चेहरा बीच में है इसकी वजह से खेल बिगड़ जाए तो हम और ज्यादा वोटिंग कर देते हैं। सही है, ये दो तरह की थ्योरीज चली हुई है राजेश, मुद्दा एक है, थ्योरीज दो है। बिल्कुल, आप बताइए जरा आंकड़ों के साथ। बिल्कुल सही है, देखिए चौंकाने वाले आंकड़े इस बार की वोटिंग में सामने आ रहे हैं, और प्रदेश का ओवरऑल आंकड़ा ही अगर हम देख लेते हैं अग्निहोत्री जी वोटिंग का, तो वो आंकड़ा भी चौंकाने वाला है। जिस तरह से 2017 के आंकड़ों ने एक तरह से प्रदेश को चौंकाया था, 75.6% वोट पड़ चुके हैं, सर्विस वोटर इसमें शामिल है और कुछ अभी इसमें और जुड़ेंगे, यानी कि आंकड़ा 76 के पास ये पहुंचने वाला है। एक चीज तो वो 76 से क्रॉस कर जाएगा। इसमें भी अगर देखें तो 9 विधानसभा क्षेत्रों में 7% तक मतदान ज्यादा हुआ है, और उन विधानसभा क्षेत्र है धर्मपुर है, जयसिंहपुर है, शिमला, बैजनाथ है, भोरंज, सोलन,
मंडी, सरकाघाट, जसवां, परागपुर, हमीरपुर और बड़सर, इसमें अगर हम देखें तो 9 ऐसे ये विधानसभा क्षेत्र हैं जहां 7% तक मतदान पिछले 2017 के मुकाबले ज्यादा हुआ है। और वहीं अगर इसमें इस बार अगर हम महिला मतदाताओं की बात कर लें तो उनका आंकड़ा भी इस बार रिकॉर्ड वोटिंग उन्होंने दर्ज की है। सही है राजेश, बिल्कुल। तो रिकॉर्ड वोटिंग जिस तरह की हुई है, अब इसके दो मतलब है, दोनों ही आपने चीजें क्लियर कर दी है। लेकिन इसको चुनाव को अगर हम देखते हैं तो वजह पहली चीज जो आपने बताई अग्निहोत्री जी, आजाद कैंडिडेट के लिए जिस तरह से है, क्योंकि भाजपा के लिए 21 जो पार्टी के पहले जो एक तरह से कैंडिडेट भी रहे हैं, पार्टी के अधिकारिक वो कार्यकर्ता और ओहदेदार रहे हैं, चुनावी दंगल में कूद पड़े हैं, 21 के 21 कूदे हुए हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के लिए 5 जो कैंडिडेट हैं उनके, जिनको टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया, वो भी चुनावी दंगल में कूद पड़े हैं। पहली चीज तो इसमें पार्टियों के जो अधिकारिक प्रत्याशी हैं वो कहीं सत्ता के संग्राम में पिछड़ ना जाए, ये भी वजह हो सकती है कि वहां ये फैक्टर वोटिंग का बहुत ज्यादा चला। और साथ ही साथ जिस तरह की सहानुभूति चली है, लेकिन इसकी असल वजह क्या है, हम इसको अगर टटोलें तो जैसे प्रदेश के बाहर जो वोटर थे अग्निहोत्री जी, जो चाहे नौकरी पेशे के लिए कोई गया है, चाहे किसी पढ़ाई के लिए बाहर है, बिल्कुल बाहर है, वो भारी तादाद में वोटिंग के लिए हिमाचल पहुंचे, यानी कि प्रदेश भी अपने घर लौटे हैं, ये एक बड़ी इसकी वजह मानी जा रही है। दूसरी वजह मानी जा रही है महिला वोटर जिस तरह का उत्साह दिखाया, गजब का उत्साह दिखाया, वो इसमें बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। अब जिस तरह का माहौल चल पड़ा है कि क्यों हिमाचल प्रदेश से बाहर रहने वाले युवा एक तरह से या बाहर रहने वाले लोग क्यों प्रदेश की ओर लौटे या क्यों मतदान के लिए पहुंचे, तो एक चीज तो जागरूकता तो है ही है, क्योंकि जागरूक करने में चाहे सरकारों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और फिर चुनाव आयोग तो जुटा हुआ था। पर असल वजह इसमें टटोली जाए तो कोरोना के दौरान जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई अग्निहोत्री जी, उसमें आप देखिए कि कई लोगों का एक तरह से चाहे प्राइवेट सेक्टर में जो थे नौकरियां उनकी छूट गई, घरों की तरफ वो लोग लौटने लगे, और जब घर पहुंचे तो एक तरह से माहौल बदला सा प्रदेश का कोरोना के दौरान ही नजर आया। अब वही आकलन इस वक्त वोटिंग से पहले उन युवाओं ने या उन कर्मचारियों ने या उन लोगों ने कर रखा था कि जिन्होंने कोरोना के मुश्किल दौर में हमारी मदद की है, हम उनकी वोटिंग के माध्यम से मदद करेंगे। अब इसमें युवा जो हमारे निर्दलीय प्रत्याशी, चाहे वो कोई निर्दलीय प्रत्याशी हो, चाहे बीजेपी, कांग्रेस या अन्य किसी पार्टी का आधिकारिक प्रत्याशी हो, जिसने मदद की है उसकी मदद के लिए जाहिर तौर पे बाहर से जो लोग आए हैं समर्थन एक तरह से भारी देने के लिए ही यहां पहुंचे, वजहें दोनों हैं, दोनों हिसाब वजहें हैं अग्निहोत्री जी। जी राजेश, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया आपने, लेकिन एक चीज तो है जी, देखिए जी, जहां पे तिकोना मुकाबला है वहां की बात कर रहे हैं, बाकी कमोबेश हालात तो एक जैसे ही है जी। जितने भी समर्थक है ना, तीन, जैसे तीन चेहरे हो गए, दो मेनस्ट्रीम पार्टीज के, एक आजाद हो गया, मान सही है, सबकी दुख दुखी बढ़ी हुई है। आपको भी शायद बहुत से फोन आते होंगे दिन में, बिल्कुल है ना जी, कि हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। इससे जो एक तरह से जो एक, आप ये समझिए कि जो चुनाव का जो एक फीलिंग थी जी, वो ऐसा नहीं हुआ है कि अब बहुत से दिन लगेंगे इलेक्शन का रिजल्ट आने में, तो बीच में होता क्या था, पिछली बार आप देख लीजिए काफी समय लगना था, प्रत्याशी इतने ज्यादा नहीं थे, बिल्कुल, तो तब माहौल थोड़ा शांत जैसा था, लेकिन अभी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा हुई है। कैसे देखते हैं आप इसे? बिल्कुल सही है, देखिए एक तरह से उत्सुकता तो लोगों की बढ़ी हुई है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो कुछ हिमाचल प्रदेश की हॉट सीटों पे नजर डाल लेते हैं अग्निहोत्री जी, कि हॉट सीट पे जिस तरह का माहौल वोटिंग कर रहा है। सराज चलते हैं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ये गृह क्षेत्र है, उनकी अपनी सीट है, 82.10% वोटिंग वहां हुई है, और 2017 में भी उनके खिलाफ जो पार्टी के प्रत्याशी थे वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, चेतराम थे। और इसमें देखें कि 2017 में मुख्यमंत्री जो जयराम ठाकुर जब सीएम बने थे तो 11,254 मतों से उस वक्त जीते थे, और 2012 में उनके खिलाफ जो एक महिला कैंडिडेट वहां खड़ी हुई थी, जो जब तब जो ये जीत का जो अंतर था ये 5,752 वोट का था, यानी कि 2017 में मार्जिन इससे डबल हो गया। अब मनाली चलते हैं, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर की ये सीट है, जहां पे 79 यानी कि 79.48% मतदान उस सीट पे हुआ है। अब कांग्रेस के लिए भुवनेश्वर गौड़ यहां पे है, और बसपा का प्रत्याशी भी यहां बसपा ने चुनावी दंगल में उतारा है, 5 प्रत्याशी कुल उतरे हुए हैं। अब किस तरह का माहौल यहां रहेगा ये देखने वाली बात होगी। इसी तरह अगर हम बात करें तो कुटलहर चलते हैं, वीरेंद्र कंवर की सीट है, जो पंचायती राज मंत्री रहे जयराम कैबिनेट में, 76.82% वोटिंग यहां हुई है। और इसमें देखें तो 2017 में इन जो वीरेंद्र कंवर साहब थे 5,606 मतों से जीत के विधानसभा पहुंचे थे। अब इसी तरह से हम देखते हैं तो हरोली सीट पे देख लेते हैं,
सकते हैं मुकेश अग्निहोत्री की सीट है, 78.13% मतदान इस सीट पे हुआ है। और इसमें देखें तो चार उम्मीदवारों ने यहां चुनाव लड़ा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि 2017 में मुकेश अग्निहोत्री 7,370 मतों से जीते थे। वही जोड़ी है इस बार भी, कांग्रेस के लिए मुकेश अग्निहोत्री है तो बीजेपी के लिए प्रोफेसर राम कुमार है। तो जिस तरह की टक्कर ये जो जिस तरह की हॉट सीट्स ये बनी हुई है, उन हॉट सीट्स के समीकरण अगर हम देखते हैं तो बंपर वोटिंग का क्या मतलब यहां निकाला जाएगा? क्या एक तरफा है? क्या इतना ज्यादा एक तरह से ये मुकाबला कड़ा रोचक होने जा रहा है कि जनता ने भारी जो उत्साह दिखाया है उसके मतलब दो तरह के हैं। एक तो मतलब है कि एक तरफा ही एक तरह से ये खेल हो सकता है चुनावी, लेकिन एक ये भी हो सकता है कि कांटे की टक्कर दोनों एंड पे है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रदेश में बराबर एक तरह से मत प्रतिशत लेके खड़ी हुई है। 2017 की बात कर लेते हैं, परसेंटेज वाइज देखें तो 4-6% का जो वोट स्विंग हिमाचल प्रदेश का है वही सत्ता डिसाइड करता है। अब क्या वो 4-6% के वोट स्विंग के करीब क्या दोनों दल उसको साथ पाएंगे? ये बड़ी चुनौती है अग्निहोत्री जी। लेकिन जो हॉट सीट्स हैं वो सच में ही एक इस बार बीपी बढ़ाने वाली एक तरह से सिचुएशन उन्होंने पैदा कर दी है राजनीतिक दलों के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए। राजेश, वैसे मुश्किल हो रहा है अंदाजा लगाना, ये तो देखिए आप समझ ही रहे हैं, खासकर वो लोग जो कि इलेक्शन में या तो किसी ड्यूटी में थे या फिर कमिटेड थे, जाहिर है अब समय भी लंबा है इसके लिए। राजेश, ये हम राजनीति के चर्चा कर चुके, इस पे तो आप जितनी मर्जी कर लीजिए जी, है ना, और हम करते भी रहेंगे, जो जो मुद्दे होंगे आपके सामने डिस्कस करते रहेंगे रोज़